वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ टू कलर डिजाइन। देखिए ये डिजाइन कैसे बनते हैं, आज मैं बना के दिखाऊंगी। और प्लीज फ्रेंड, आप सबसे मेरे एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए ये डिजाइन कैसे बनते हैं, तो उसके लिए मैं इसमें फंदा डाल लिया। आप बॉर्डर बना के शुरू कीजिए। देखिए सबसे पहले एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, ये हमारे पहले सिलाई है। तो पहले सिलाई में फ्रेंड एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा, अब बना के कंप्लीट करना है, उसके बाद डिजाइन डलेगा। देखिए आपके पास जितने फंदा है आप लेना चाहे उतना ले सकती है, इसमें कोई लिमिट नहीं है फंदे का। और ये डिजाइन बहुत खूबसूरत है फ्रेंड, आप भी एक बार जरूर ट्राई कीजिए। देखिए पहले सिलाई एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा में बना के कंप्लीट कर लिया। अब आई सेकेंड रो उल्टी साइड। अब देखिए जो हमारे सीधा फंदा उसको सीधा ही बिनना है और जो उल्टा फंदा उसको उल्टा ही बिनना है। देखिए ये सीधा फंदा है, ये उल्टा बिना हमने, ये उल्टा ये सीधा, जो जैसा फंदा उसको वैसे ही बनाना है। उस तरफ से जो हमने सीधा बनाया था इस तरफ वो उल्टा हो जाएगा। अब देखिए ये सीधा दिख रहा है तो इसको सीधा बिनूंगी, अभी ये उल्टा दिख रहा है तो इसको उल्टा ही बिनना है। तो दो सिलाई हमने ऐसे बनाना है, जो उल्टा उसको उल्टा ही बनाना और जो सीधा उसको सीधा बना के कंप्लीट करना है। देखिए जो उल्टा फंदा उसको उल्टा बनाया और जो सीधा फंदा उसको सीधा बनाया, दो सिलाई हमारे कंप्लीट हो गया। अब आई तीसरी सिलाई। देखिए तीसरी सिलाई में क्या करना है, जो सीधी साइड में है तीसरी सिलाई, तो ये उल्टा फंदा है इसको उल्टा ही बना लूंगी। देखिए इसको उल्टा बनाया, अब धागा पीछे ले जाएंगे। अब ये जो हमने सीधा फंदा बनाया, देखिए इसके बीच में से हमने सिलाई नहीं घुसाना, ये देखिए इधर से सिलाई घुसाना है। ये देखिए अब एक फंदा इधर से ही हम ऐसे बीन लिया। अब देखिए ये धागा जो है इसको एक बार इसके ऊपर से ऐसे लपेट देंगे। उसके बाद देखिए ये जो इसके जो साइड में से हमने किया था, अब इसके बीच में से करेंगे। देखिए इसके बीच में से ये देखिए ऐसे निकालेंगे, तो हमारे तीन फंदा बन गया है। देखिए तीन फंदा बना, अब इसको छोड़ देंगे। अब धागा आगे लाया, अब ये जो उल्टा फंदा बीना था इसको उल्टा बीनना है, ये उल्टा बीना। अब धागा फिर से पीछे ले जाएंगे। अब देखिए ये जो सीधा फंदा है, हमने एक उल्टा एक सीधा लिया था, तो सीधा फंदे जितने होगा ये देखिए साइड से घुसाएंगे। ये देखिए साइड से घुसाया, अब इसमें एक फंदा साइड से निकाला। अब देखिए ये जो धागा पीछे की साइड रखा है इसको इसके ऊपर से ऐसे घुमा देंगे, एक बार इसके ऊपर से घुमा दिया। अब देखिए ये अब इसमें से निकालेंगे एक फंदा। देखिए ये हो गए हमारे तीन फंदे, ये देखिए तीन फंदे इसमें बन गया। अब इसको छोड़ देंगे, अब फिर से धागा आगे लाएंगे। अब ये उल्टा फंदा इसको उल्टा बीना, अब धागा पीछे। अब देखिए ये साइड से घुसाया, ये सीधे फंदा है, ये देखिए एक फंदा निकाला। अब इसको धागा को ऐसे लपेट देंगे ऊपर से, अब इसको फिर इसी में से एक फंदा निकालूंगी। देखिए अब इसको छोड़ दिया, अब फिर से धागा आगे, ये उल्टा फंदा है हमारे इसको उल्टा बीना, अब धागा पीछे, ये जो सीधा फंदा है अब इसको साइड से घुसाएंगे। देखिए अब इसको धागे को ऐसे सिलाई के साथ एक ऊपर से लपेट देंगे, अब इसके बीच में से एक सिलाई निकालेंगे। तो ये हो गए हमारे इसमें तीन सिलाई। अब देखिए धागा आगे, ये उल्टा है एक फंदा इसको उल्टा बीना, अब धागा पीछे, अब ये सीधा फंदा है
इसके साइड में से घुसाएंगे। देखिए अब एक बार ऐसे लपेट दिया, अब इसके बीच में से ऐसे निकाल लेंगे। देखिए तीन फंदा हो गया इसमें, अब इसको छोड़ दिया। अब धागा ऐसे एक बनाया, धागा पीछे साइड में से घुसाया। अब देखिए इसे धागा लपेट दिया, इसको बीना। अब बाकी जितने फंदे हैं हम ऐसे करेंगे। देखिए ये सिलाई हमारे कंप्लीट हो गया। अब देखिए ये पीछे की साइड से, अभी आगे हम उल्टे साइड। उल्टे साइड में क्या करना, जो हमारे उधर से उल्टा बीना था उसको उल्टे तरफ से हम सीधा बीनेंगे। देखिए एक फंदा सीधा, अभी जो एक में से तीन बनाया उसको हम उल्टा बनाएंगे उल्टे तरफ से। ये देखिए जो एक में से जो हम तीन फंदा बनाया उसको उल्टा बनाया। अभी देखिए ये सीधा फंदा दिख रहा है, ये हमेशा सीधा ही बनेगा। देखिए ये सीधा, अब धागा पीछे, अब जो ये एक में से तीन बनाया था तीनों को उल्टा बीनूंगी। देखिए अब धागा पीछे, एक फंदा सीधा, अब ये जो एक में तीन बनाया था एक दो तीन, अब धागा पीछे, ये सीधा फंदा है इसको सीधा बीनूंगी। अब धागा पीछे आगे एक दो तीन, तीन उल्टा फंदा। अभी ये देखिए सीधा फंदा, आपको फंदा भी दिखने लग जाएगा। देखिए अब फिर से एक दो तीन फंदा उल्टा, अभी ये जो सीधे फंदा हमें दिख रहे हैं तो इसको सीधे बीनूंगी। अब धागा पीछे एक दो तीन, देखिए एक सीधा, अभी तीन उल्टा। अब देखिए ये सीधा फंदा है तो इसको सीधा बीनना है। और ये जो हमने एक में से तीन निकाला था, एक में से तीन फंदा बनाया था उसको उल्टे बनाऊंगी उल्टे तरफ से। अब ये लास्ट का फंदा सीधा है हमारे, सीधा बीना। अब देखिए आ गए हम इसका सीधे साइड। सीधे साइड में क्या करना है फ्रेंड, जो हमारे उल्टे फंदा है, जो फंदा जैसे दिख रहा है वैसे बीनना है। ये उल्टे फंदा है इसको उल्टा बीना, धागा पीछे। ये जो तीन है, एक में से जो हमने तीन बनाया था उसी को बीन रहे हो अब, तो उसको क्या करना है, तीन सीधा फंदा बीनना, एक दो तीन। अब धागा आगे देखिए उल्टा फंदा है इसको उल्टा बीनना है। अब धागा पीछे, जो एक में से तीन बनाया था इसको सीधा बीनना है, दो ये तीन। देखिए सीधा बीना, ये हमारे उल्टे फंदा है, देखिए इसको दिख ही रहे, इसको उल्टा बनाना है। अब देखिए एक में से जो तीन बनाया था उसको उल्टे तरफ से हमने उल्टे बीना था, अब सीधे तरफ से सीधे बीनेंगे। जो जैसा इसमें फंदा आपको दिख रहा है वैसे ही बीनना है आपने। ये देखिए अब ये सीधा फंदा तीन है, तीन सीधा, अभी एक उल्टा फंदा है इसको हमेशा उल्टा ही बीनना है, एक दो तीन फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक दो ये तीन फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक दो तीन फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक दो ये तीन फंदा सीधा, लास्ट का एक फंदा उल्टा। देखिए एक डिजाइन हमारे कंप्लीट हो गए। अब इसमें दूसरे डिजाइन दूसरे बनाएंगे। तो अभी धागा हमारे उल्टे तरफ से चेंज होता है। तो देखिए फ्रेंड हमारे जैसे जो उल्टा फंदा था मेरा, ये लास्ट वाला था उल्टा फंदा, तो लास्ट वाले को एक उल्टा बनाया। अब देखिए धागा पीछे आगे, अब देखिए ये जो हमने एक में से तीन बनाया था, अब ये तीनों को एक साथ करके बीन दूंगी। ये देखिए जो एक में से तीन बनाया था
अब ये तीनों को कम कर दिया, देखिए तीनों को एक कर दिया। अब ये हमारे सीधे फंदा है, देखिए ये शुरुआत से सीधे आ रहे, तो इसको सीधे बुनूंगी। अब धागा पीछ आगे, अब देखिए ये जो तीन है, एक में से जो तीन निकाला था, तीनों को एक साथ सिलाई में डाल लेंगे और तीनों को एक साथ बीन दूंगी। देखिए तीन फंदे को एक साथ बीनना है। अब छोड़ दिया देखिए, और ये सीधा फंदा है, देखिए ये सीधे सीधे जा रहे हैं, तो इसको सीधा बीनना है। अब धागा आगे, अब देखिए जो तीन फंदा, एक में से जो तीन बनाया था, ये तीनों को एक साथ बीनना है। देखिए तीनों को एक साथ बीना। अब ये सीधे फंदा है, ये दिख रहे हैं, तो इसको सीधे बीनना है। फिर से देखिए एक, ये दो, ये तीन फंदा है, एक में से जो तीन बनाया था, देखिए तीनों को एक साथ बीन दूंगी। देखिए अब ये एक सीधा फंदा है, तो इसको सीधा बीनना। देखिए तीनों को एक कर दिया, अब ये सीधा फंदा, इसको सीधा बीनना है। तीनों को एक कर दिया, धागा पीछे, एक सीधा फंदा दिख रहा, तो इसको सीधा बीनना है। ये तीन फंदे को एक फंदा बना दिया। एक फंदा बना दिया, अब ये सीधे फंदा है, इसको सीधा बीना। अब फिर देखिए जैसा हमने एक फंदे को तीन बनाया था, अब तीन फंदे को एक बना रही। ये देखिए ये सिलाई कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसमें वही सेम प्रोसेस करना है। तो पहले सिलाई हमने लिया था उल्टा, एक उल्टा, अभी देखिए ये जो है, जो हमने तीनों को एक किया, अभी इसी में से हम डिजाइन बनाएंगे। देखिए ये तीनों को जो एक किया, अब इसका साइड में से सिलाई घुसाएंगे। देखिए एक फंदा निकाला, अब धागा को ऐसे पहले तरह जैसे हमने उसमें किया था, इसमें वैसे करना। देखिए एक फंदा निकाला, अब ये जो उल्टा फंदा है हमारे दिख रहे, इसको उल्टा ही बनाना है। अब धागा पीछे, अब ये जो इसमें हमने तीन को एक किया, अब इसी के बीच में से घुसाएंगे। देखिए साइड में से, देखिए एक फंदा निकाला, अब धागा आगे से घुमा के, देखिए ये तीन फंदा बनाया। अब फिर से धागा आगे लाया, भी एक उल्टा फंदा है, इसको उल्टा बनाया। धागा पीछे, अब ये जो देखिए तीन को एक किया, तो इसी के साइड में से घुसाया, देखिए बीच में नहीं साइड में से घुसाया। एक फंदा निकाला, धागा ऐसा आगे से घुमाया, अब इसी के बीच में से और एक फंदा निकाल लिया। देखिए अब धागा आगे लाया, अब ये है उल्टा फंदा, देखिए इसको उल्टा बिना, धागा पीछे, ऐसे साइड में से इसको एक फंदा निकाला, अब इसको बीच में से एक निकाल देंगे। ये देखिए अब ये उल्टा फंदा है, इसको उल्टा बिना, ये सेम ऐसे ही जैसे इधर बनाया वैसे ही बनाना है। देखिए जैसा हमने पहले सिलाई में किया था, सेम टू सेम ऐसे करना है। देखिए ये सिलाई कंप्लीट हो गया। अब उल्टे तरफ से जो हमारे फंदा उल्टा है, उसको उल्टा ही बनाना है, और जो हमारे सीधी फंदा है, ये देखिए ये पहले सिलाई हमारे उल्टे तरफ से हमेशा सीधे बिनना है। अब देखिए जो एक में से तीन निकाला था, जो एक फंदा था उसको तीन बनाया, तो तीनों को उल्टे तरफ से उल्टे बना देंगे। देखिए तीनों को उल्टे तरफ से उल्टे बनाया, धागा पीछे, ये सीधा है, इसको हमेशा सीधा ही रहेगा। अब फिर से एक में से जो तीन बनाया उसको उल्टे बनाएंगे। अब ये सीधा फंदा है, इसको सीधा बीनना, ऐसे सेम बनेगा जैसे पहले बनाई थी। देखिए अभी इधर से बनाया, अभी जो हमारे जैसे
तीन फंदा था वो तीनों को हमने उल्टा बनाया और जो सीधे फंदा था उसको सीधे बनाया। ये लाइन हमारे कंप्लीट हो गया। अब देखिए सीधे सीधे साइड से हमने क्या करना है, जैसा हमने पहले किया था वैसे सेम टू सेम है। अब इसमें जो फंदा जैसा दिख रहा है आपको वैसे ही बिनना है, जो उल्टा फंदा उसको उल्टा बिनना है और जो सीधा फंदा है उसको सीधा ही बनाना है। देखिए जो ये तीन फंदा सीधे है, दो तीन, तीन फंदा सीधे सीधे बनाया। अब धागा आगे, एक उल्टा फंदा है तो उसको उल्टा बनाया, तीन फंदा सीधे, ये हमारे सीधे साइड है फ्रंट, ये देखिए, जो जैसा फंदा है ये तीन हमारे सीधे सीधे बनना है, जो उल्टा फंदा उसको उल्टा ही बीनना है। देखिए ये उल्टा आ गया, एक उल्टा बीना। अब ये तीन फंदा सीधे है तो तीनों को सीधे बनाऊंगी। देखिए देखिए जो जैसा फंदा वैसे इसको बीनना। देखिए दो सिलाई हमारे कंप्लीट हो गया। अभी उल्टे तरफ से अभी दूसरी सिलाई, दूसरे धागा लगेगा फ्रेंड। देखिए इसमें जैसे हमने पहले बताई थी वैसे करना है। सब पहला फंदा हमने सीधा ही, देखिए जो सीधे फंदा उसको सीधे बनना है, जो उल्टे फंदा है उसको उल्टे बनना। आप देखिए जो तीन फंदा है धागा चेंज हो जाएगा। देखिए ये जो हमने एक फंदे से तीन फंदा बनाया था ये तीनों को अब एक साथ करके बिनूंगी। देखिए तीन को एक किया, अब ये सीधे फंदा इसको सीधे बिनना है। ये तीन फंदे हैं, तीन फंदे को एक फंदा बनाया, ये सीधे फंदा है इसको सीधे। ये सीधे फंदा है इसको सीधे बिनना है। यस सेम। देखिए तीन फंदे को एक साथ बीना और एक जो उल्टा फंदा उसको उल्टा ही बीना। देखिए मेरे दो डिजाइन बन के कम्प्लीट हो गया। अब आपको पता है ये उल्टा फंदा बीनना है। अब इसके बीच में घुसा के एक फंदे से हमने तीन फंदा इसमें से निकालना है। देखिए कितनी सुंदर बनी है। प्लीज़ फ्रेंड डिजाइन अच्छी लगे तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताना अगर कोई भी दिक्कत होगा तो। थैंक यू।